पाकिस्तान से अपना प्यार माने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ चुका है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये चर्चित गांव बन चुका है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की ये महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम से। रबुपुरा कस्बे का सचिन कोविड से पहले एक परचून की दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वो पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। सचिन, ओ सचिन, ये क्या तू सारा दिन मोबाइल फोन पर लगा रहता है, इधर आ। हेलो, जरा रुकना, शायद माँ बुला रही है। हाँ हाँ, कोई नहीं, तुम पहले उनकी बात सुन लो, लेकिन जल्दी आना, मैं ऑनलाइन ही हूँ। बस 2 मिनट। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ बेटा, तू सारा दिन फोन पर लगा रहता है। अरे माँ, जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम तो जानते ही हो आजकल घर से बाहर तो कोई काम मिल नहीं रहा, इसीलिए मोबाइल पर काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर मुझे बुलाना मत, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। आ गए, हो गई माँ से बात। हाँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी कि फोन पर क्या कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, और अपने बारे में बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं, मेरे शौहर और मेरे 4 बच्चे। अच्छा, तो तुम शादीशुदा हो, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से अपनी तारीफ सुनकर। ऐसे ही सीमा और सचिन एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। अच्छा, तो तुम्हारे शौहर सऊदी अरब में रहते हैं, पर तुम अकेले कैसे रहती हो? हाँ, जबरदस्ती की शादी तो ऐसी ही होती है। कोरोना जब से आया है मैं तो बस मोबाइल पर टिकटॉक देख लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। तुम्हें पता है सचिन, पहले मैं कैंडी क्रश गेम खेलती थी, फिर मुझे पबजी गेम के बारे में पता चला। मैं बोर होती थी, मेरी सारी सहेलियाँ पबजी खेलती थी, तो मैंने भी पबजी खेलना शुरू किया, तभी तुम मिल गए। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। बच्चों, इधर आना, ये देखो तुमसे कौन बात कर रहा है। सीमा ने सचिन को अपने 4 बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सचिन, मैंने काफी कोशिश की है पर मुझे भारतीय वीजा नहीं मिल रहा, अब हम कैसे मिलेंगे? तुम चिंता मत करो, अब जल्दी ही मैं तुमसे नेपाल में मिलूंगा। इसके बाद सीमा ने काठमांडू की फ्लाइट ली। इधर सचिन भी बस में निकल चुका था। दोनों काठमांडू पहुंच गए, दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वो पाकिस्तान लौट गई और भारत जाने की प्लानिंग में लग गई। करीब 12 लाख रुपए में सीमा ने वो घर बेच दिया जो उसके नाम था। इसके बाद वो काठमांडू से वैन में बैठकर पोखरा गई और वहाँ से दिल्ली के लिए एक बस में बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? जी, वो मेरा नाम सीमा है। पति और बच्चों के नाम? जी, पति का नाम सचिन मीणा। सीमा ने बस कंडक्टर को अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात कही। इसके बाद कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वो दिल्ली पहुंच गए। कश्मीरी गेट से जीवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलीदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मुझे पता है कैसे रास्ते बदल बदल कर आना हुआ है। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि कहीं कोई पहचान न ले। अरे, मेरी ठकुराइन को कोई कैसे पहचानेगा, आखिर मेरी पत्नी हो तुम। सच्चा प्यार करते हैं हम दोनों, सच्चा प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने सारी तैयारी कर ली है, घर के पास ही एक कमरा ले लिया है। तुम मालिक को बता देना कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम बुलंद शहर की हो। सचिन ने सीमा को सब कुछ समझा दिया और फिर सीमा और बच्चों को मकान मालिक से मिलवाया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को माँ के घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। अच्छा, तो तुम यहाँ नई रहने आई हो, कहाँ की हो तुम? जी, मैं बुलंद शहर से हूँ। अच्छा अच्छा, कोई भी काम हो तो बताना, मैं पड़ोस में कई सालों से रह रही हूँ। जी जरूर। इसी दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया, किसी को उस पर शक नहीं हुआ
लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। सुनो तुम कुछ जल्दी इंतजाम करो, कब तक हम बच्चों के साथ यहाँ ऐसे रहते रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी खराब हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैंने बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की है, वो हमारी भारतीय शादी के लिए तैयार हो जाए बस। और फिर जून के महीने में सचिन ने बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की, लेकिन जब वकील ने सीमा के दस्तावेज देखे तो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर वकील दंग रह गया। सीमा, लगता है पुलिस को हमारे बारे में शक हो गया है, उस वकील ने पुलिस को फोन कर दिया है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। क्या आप हमारा मिलना कैसे होगा सचिन? अगर हम दोनों को तुम्हारे लोगों ने अलग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सचिन और सीमा घबरा रहे थे। अगले दिन रघुपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वो दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। दो दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद सीमा और सचिन को जमानत मिल गई। जज ने उन्हें कहा कि वो अपना पता ना बदले और देश ना छोड़े। इसके बाद सीमा सचिन के घर ही रहने लगी। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों ने भी उसका साथ दिया। सीमा, कोई कुछ भी कहे, आज से तुम मेरी बहू हो और तुम इसी घर में रहोगी मेरी सचिन की पत्नी बनकर। माँ जी, आपने मुझे कबूल करके मेरी आधी चिंता दूर कर दी, मेरे बच्चों को आप सबका प्यार मिल गया। इधर सीमा को सचिन और उसके परिवार वालों ने जब अपना लिया, अपनी बहू मान लिया, तो उधर जब सीमा के पति गुलाम हैदर को उसके भारत में होने की खबर मिली तो वो परेशान हो गया। तमाम लोग सीमा और सचिन का इंटरव्यू लेने के लिए सचिन के घर पहुंचे। सीमा जी, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो उस पर आपका क्या कहना है? कि आप यहीं रहेंगे या फिर आपके पति जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान वापस आना चाहिए? वो जो मर्जी कहें, अगर मैं वापस लौटी तो वहाँ के लोग मुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। अब मैं इनकी यानी सचिन जी की पत्नी हूँ। मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं भले ही यहाँ की जेल में रह लूंगी लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो सीमा का कहना है कि वो पूरी तरह से सचिन की पत्नी बनकर यहीं भारत में रहना चाहती है। सचिन जी, आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो बस इतना कहूंगा कि मैंने अगर सच्चा प्यार किया है तो सीमा से किया है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सीमा है तो मैं हूँ। बहुत से न्यूज चैनल अखबार सीमा और सचिन के प्रेम की कहानी के बारे में बता रहे हैं, पर अभी तक की जानकारी के अनुसार जो भी उनकी कहानी मिलती है उससे तो यही लगता है कि सीमा और सचिन ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित सचिन के घर से हिरासत में ले लिया है। सीमा के साथ ही उसके चार बच्चे और सचिन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए UPATS जांच कर रही है। सीमा के मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि सीमा भारत में एक पाकिस्तानी बहू के रूप में रहेगी या फिर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लौट जाएगी।